Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक बार फिर हिंसा और गोलीबारी की घटना देखने को मिली है। इस बार कुकी उग्रवादियों ने एक गांव को निशाना बनाते हुए ड्रोन से बम बरसाए हैं। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। इन उग्रवादियों ने कोतरुक और कंडागबान घाटी को निशाना बनाया है, जहां इन्होंने पहले अंधाधुंध गोलीबारी की, इसके बाद ड्रोन से जबरदस्त बम बरसाए। अचानक हुए इस हमले से पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोग खुद की जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों को तलाशते रहे। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मियों समेत 9 अन्य लोग घायल हैं। इस हमले को लेकर मणिपुर पुलिस ने जो जानकारी दी वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस ने दावा किया कि कुकी उग्रवादियों ने हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल किया। ऐसे ड्रोन सिर्फ युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमलावर भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। इन ड्रोन से हमला करने के लिए उच्च प्रशिक्षित और तकनीक विशेषज्ञ होना जरूरी है। यानी इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। मणिपुर पुलिस ने आम जनता से संयम बनाए रखने की अपील की है। किसी भी अराजक तत्व को बाहर निकालने के लिए तलाशी अभियान जारी है। वहीं मणिपुर गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। निहत्ते कोतरुक इलाके के ग्रामीणों पर ड्रोन बम और कई अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया है, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हैं। निहत्ते ग्रामीणों को आतंकित करने की ऐसी हरकत को राज्य सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार राज्य में सामान्य स्थिति और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं कोतरुक गांव के लोगों ने घटना को लेकर निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा शांति बहाल करने को लेकर कई बार आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। बता दें, कोतरुक गांव के पंचायत अध्यक्ष के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे गोलीबारी शुरू हुई थी। उस वक्त गांव के वॉलेंटियर संवेदनशील इलाकों में नहीं थे। उग्रवादियों की भारी गोलीबारी से कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जब गोलीबारी और बमबारी शुरू हुई तो ग्रामीण अपने घरों में थे। वहीं मणिपुर के DGP ने आधिकारिक आदेश में कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों के बीच उचित समन्वय किया जाए और संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जाए। DGP ने सभी SP को सभी सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, मणिपुर में 3 मई 2023 को पहली बार हिंसा हुई थी। यहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 65,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। वहीं पिछले कुछ वक्त से मणिपुर में वापस से माहौल शांत होना शुरू हुआ था, मगर एक बार फिर इस हमले ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।